आज मैं बताने वाला हूँ कि जल्दी अमीर कैसे हो, जल्दी पैसे कैसे कमाएं और बहुत ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। हर बंदा ही अमीर होना चाहता है, हर बंदा ही अमीर होना चाहता है, हर बंदा ही पैसे वाला बनना चाहता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वो पैसे वाला या अमीर कैसे बने। तो इस सवाल का कोई आंसर नहीं है। हर बंदा पैसे वाला बनना चाहता है, आप भी पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो सब जो कर रहे हैं तो वो सब तो अमीर नहीं बने। अब आपने कुछ अलग तो करना होगा, आपने कुछ डिफेंड करना होगा जिससे आप भी पैसे वाले बन जाए, समझ रहे हैं। सब तो कर रहे हैं, सब रेलगाड़ी में थप 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 रेलगाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है, और वो ज़िंदगी गुजार लेते हैं 30-40 हज़ार की नौकरी में। वो प्रमोशन का इंतजार करते हैं, फिर साल दो साल प्रमोशन होता है, फिर वो आता है और रिटायरिंग के बाद हो सकता है उसके बाद 50 साल की उम्र के बाद वो मैनेजर की पोस्ट में हो, 10 साल वो क्या उखाड़ लेगा, 10 साल बाद वो क्या उखाड़ लेगा जब उसके पास एक अच्छी रियल लाइफ थी जिसमें जिसको इंजॉय करना था, हम बंदे को रियल लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाया। सो मैं आज यही बताऊंगा कि आप पैसे को कमाए तो कमाए, लेकिन जल्दी कैसे कमाए जिससे आप जल्दी फ्रीडम में रहें और जल्दी आप अमीर भी हो जाए। शायद ये कोई बताएगा नहीं, ये बहुत जो अमीर लोग होते हैं ना वो इस चीज़ को छुपाते हैं या ये चीज़ किसी को पता ना चले, ये उनकी खासियत होती है, ये उनका सीक्रेट होता है। लेकिन वो सीक्रेट आपके सामने मैं वादे करने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ ऐसा क्या चीज़ है जिससे अमीर लोग पैसे वाले बन जाते हैं और साला हम गरीब लोग और गरीब होते जाते और अमीर लोग और अमीर होते जाते। वैसी क्या चीज़ है, क्या वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा बचा देते हैं? नहीं, वो हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं, जितना हम खर्च नहीं करते उससे 20 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पैसा बढ़ते रहते बढ़ते रहते बढ़ते रहते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी मौत में जाते हैं ना माद में, हमें तो टेक देख के हमें खरीदना होता है, उनको टेक की ज़रूरत नहीं होती, उनको पसंद करना होता है। इतना मैं आपको बना करने वाला हूँ, ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है। इतना सा भी मिस होगा समझ नहीं आएगा कि बहन में कुछ बैठेगा नहीं, यार मैंने बोला क्या, सुफियान भाई ने बताया क्या, समझाया क्या, मुझको नहीं पता अभी कौन देखेगा कौन नहीं, घंटा नहीं देखेगा मुझको, एक बंदा भी देखा है ना ये वीडियो मेरी, मेरी काफ़ी है, वो एक बंदा ही समझ जाए काफ़ी है मेरी, एक बंदा मुझको 10-12 हज़ार 2 हज़ार 1 मिलियन के कई व्यूज चाहिए, मुझको एक व्यूज भी आ गए ना और ये एक व्यूज में एक बंदे ने भी ये वीडियो में ही देख ली तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि वही बंदा बन जाएगा अमीर और बाकी सब। सो अमीर बनने का ऐसा क्या राज है जो कि मैं अभी तक आपको बोल रहा हूँ अमीर बनना है को बता नहीं रहा। मैं आपको बोलता हूँ चलो कि आप 1 रुपये लो, 1 रुपये लेकर मुझको 2 रुपये देता हूँ, ठीक है, क्या मैंने बोला, 1 रुपये लो, 1 रुपये लेके 2 रुपये दे दो, कितना हो गया मेरे पास 2 रुपये, ठीक है। अब मैंने बोला यार 2 रुपये लो मुझको 4 रुपये दे दो, कितना हो गया मेरे पास 4 रुपये, फिर मैंने बोला यार 4 रुपये लो 8 रुपये दे दो, हर बार मैं पैसे को डबल करता हूँ याद रखिएगा, और अभी तक मैंने कितनी बार कर चुका हूँ 3 बार, 1 का 2 मैंने किया 1 बार, 2 का 3 किया, 2 का 4 किया मैंने 2 बार और 4 का 8 किया 3 बार, अब 8 का 16 करूँगा मैं कितनी बार, 4 बार, 8 का 16 करता हूँ मैं 4 बार, 16 का 32 करता हूँ कितनी बार, 5 बार, देख ले 5 बार मैंने 32 कर दिया, 32 किया, अब असल मज़ा आएगा, अब 6 बार मैंने किया 32 का प्लस करिए 64, कितनी बार में किया मैंने 6 बार, अब 7 बार मैं कहूँगा 64 का प्लस कितना होगा आपको पता है, 64 प्लस 64 120 और 8, सो 128 हो गया, 128 हुआ, अब इसी को हम 8 बार बोलते हैं, 128 8 बार कितना हुआ 250 और 8 8 3 6
256 रुपये। फिर अब 9 बार जब हम करेंगे 200 बन जाएगा अपना, 200 बनेगा 56 रुपये का, डबल करते हैं हम तो 250 और 6 रुपये का, 1-1 रुपये लगो 502 रुपीस। ओके, हो सकता है 1-2 रुपये कैलकुलेशन में थोड़ा इशू है, लेकिन अभी आप इसकी ग्रोथ देखेगा, ठीक है। अभी मैंने 9 बार किया है, 1 रुपये का लेकर मेरा पैसा 1 रुपये से 502 रुपीस बन गया, ठीक है। तो हम 10 बार करते हैं तो कितना बन गया, 1000 और 10-20 रुपये बना होगा, 10-20 रुपीस। सो अभी मैंने कितनी बार किया, 10 बार अपने पैसे को डबल, ठीक है। अब मैं 11 बार करता हूँ। अभी देखो 1 रुपये से मेरा 2 रुपये होने में कितना टाइम लगा, 10 बार मैंने कर लिया। 1 रुपये से लेकर मुझको 1000 का करने के लिए कितना टाइम लगा, 10 बार। अब मैं 1000 को 2000 करके निकालूंगा 11 बार, कितनी बार, 11 बार। अब 11 बार किया, 2000 हो गए। अब मजे की बात, 12 बार आप जब करोगे ना 8000 हो गए, 4000 भी बन जाएगा, और 13000 बन 13 बार करोगे आपके पास 8000 भी बन जाएगा। तो वैसे आप 10 बार वो करते हो तो आपको 1000, उसकी कीमत क्या बनती है आपको पता है, नहीं पता, चलो हिसाब लगाते हैं। तो कैलकुलेशन के एडविस जो मैं बताऊं, मैंने जो पहले से करके रखा हुआ है वो है 10 लाख रुपये, लेकिन नहीं हो रहा, आप कैलकुलेट कर दो। और 10 लाख को हमने 10 बार और कर लिया ना, तो ना आप बताए 1 अरब से ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा। और 1 अरब को मैंने 10 बार और कर लिया ना, तो ट्रिलियन की बात चली जाएगी। और ट्रिलियन को मैंने और बार कर लिया ना, तो उससे भी ऊपर चले जाएगा। जितनी आप की कैलकुलेशन का ना वो होता है ना कैलकुलेटर, उसका जो नंबर्स होते हैं वो भी कम पड़ जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ भाव में डाले, हमने कितना आपने माइंड में रखना है, 3 बार, 30 बार, 30 बार हमने पैसों को डबल करना है। इतना आसान है, आप अरब बड़ी बन जाओगे, आप बिलियनियर आपको बनना है, आप 30 से 35 बार अपने पैसे को डबल कर लो और शुरुआत करो 1 रुपये से। और ये राज, ये खासियत कोई नहीं बताता। नहीं समझ आया होगा तो एक कैलकुलेशन थी, नहीं समझ आया होगा, बिल्कुल समझ नहीं आया होगा आपको। सो मैं इसके लिए एक कहानी है, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि ना एक बादशाह हुआ करता था। वो बादशाह ने क्या किया, अपने बंदों को बोला, भाई बादशाह के सामने ना एक बंदों को बोला, यार मुझको ना एंटरटेन हो रहा है ना। तो पहले बादशाह लोग बहुत मतलब लोगों बुलाया करते थे, और ये चीज़ तो आपको भी पता है कि वो हंसने के लिए कुछ मतलब नए नए फैर उनके एक इवेंट हुआ करते थे। तो उसने एक बंदे को बुलाया, बोला यार मुझको इंटरटेन होना है, और ना मुझको ना बंदे चाहिए जो कि मुझको इंटरटेन करे। तो फिर और उसने एक इनाम रख दिया, जो जो मुझको हंसा लिया, जो मुझको इंटरटेन कर लिया, जिसने मुझको खुश कर दिया, उसको मैं इनाम दूंगा, जो जो वो बोलेगा वो मैं दूंगा उसको, ठीक है। तो सब आए, कोई हंसा पाया, कोई नहीं हंसा पाया। तो उसमें से एक आया जो बहुत बड़ा मतलब जादूगर टाइप था और बहुत ज्ञानी बंदा था, ठीक है ना। वो आया, उसने भी उसको कुछ मजाक वगैरह किया, उसके साथ कुछ शेर वशायरी किया, जिससे वो को मज़ा आया। तो उसने खुशी से बोला बादशाह ने, यार मांगो, जो मांगना है मैं तुम्हें दूंगा, मांगो जो मांगना है मैं तुम्हें दूंगा। तो उसने क्या बोला बादशाह, मैं जो बोलूँगा वो आप देंगे, मैं वहाँ दूंगा। तो उसने बोला मुझको बादशाह, यहाँ पहले ना चेस हुआ करता था, जो तो घोड़ा हाथी वगैरह बने होते ना, वो चेस में ना जो डब्बे होते हैं, डब्बे वो 64 होते हैं, समझिएगा 64 डब्बे होते हैं उस पूरी चेस में, और वो 64 डब्बे होते हैं। तो उसने बोला बादशाह, ये जो चेस के जितने खाने हैं ना, आप मुझको ज़्यादा कुछ नहीं देते, मुझको पहले खाने में 1 चावल का दाना चाहिए, और दूसरे खाने में 2 दाने का,
और तीसरे खाने में चार, और ऐसे करते करते मुझको आखिरी खाने तक जितना चावल का दाना बन जाए वो दाना ही मुझको बच जाएगी, इतना मुझको मांगे, इससे ज़्यादा मुझको चाहिए नहीं। मेरा 64 है ना चेस का वो जो भी इतनी से मुझको ये में पता नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, डब्बा टाइप जो बने होते हैं आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, टीवीओं में रखते देखते हैं, तो वो पूरा मेरे जो 64 खाने होते हैं उसमें ना वो आखिरी तक जहाँ तक चले गए ना तो वहाँ मुझको बस मेरा जो चावल का दाना है उसको डबल करते रहेगा, मेरा चावल का दाना है जो उसको बस डबल करते रहेगा, जब आखिरी में जितना चावल का दाना हो जाए वो चावल का दाना मैं लूँगा और मैं घर चले जाऊँगा, बस मुझको इतनी चीज़ चाहिए। बादशाह ने बोला इतनी सी बात, बादशाह ने बोला इतनी सी बात, ये तो कोई आप भी यार इतना सर है यार 64 बार डबल करना चावल के दाना ही तो हो जाएगा। उसने बोला चलो भाई, वजीर को बोला जाओ करो इसकी मैं हुक्म की तामील हो, ये जितना चावल का दाना इसको दे दो, और बादशाह लोग जो तरह दबान के पकते हैं। अब वो सारे जो भी वहाँ के हेड थे सारे ऊपर के जो भी लोग थे उन लोग आए, उन्होंने चावल के दाने मंगाए, एक बोरी दो बोरी तीन बोरी ऐसे कदम होगी पता नहीं चला, पहले एक रखा दो रखा दो का चार या चार ऐसे करते करते जब वो साला 30 तक पहुँचे ना खटका हुआ या ये क्या 30 तक एक अरब दाना। तो उसने बादशाह खिलाने के बाद बोला असलम ये तो हमारे पूरा जो भी अनाज था ये सब हमारे पास ख़त्म हो गया है, तो उसने बस कोई मसला नहीं बाहर के कुछ लोगों से खरीद लो। तो उसने वो 64 तक जा ही नहीं पाया और वो इतना ज़्यादा अनाज बन गया कि पूरी दुनिया के कितने भी चावल हैं उन सबको भी मिला दिया जाए ना पूरी दुनिया में, ये मैं कोई छोटी बात नहीं, पूरी दुनिया में कितने भी चावल हैं कितने भी जो हो गए छोटे बड़े सबको मिला भी दिया जाए, जो उसने उसकी जो नीट है ना 64 तक वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी तो कंपाउंडिंग कंपाउंड हो है, वो हर हर चीज़ में डबल हो है, तो वो वहाँ तक नहीं जा पाएगा और वहीं से वो रुक जाएगा। और अभी मेरे पास कैलकुलेशन नहीं लेकिन आप खुद कैलकुलेट कर लिए, एक का दो दो का चार 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 ऐसे करके किसी से भी आप सर भी लगा सकते हैं 1000 2000 की भाई ऐसा मैं करूँगा तो ऐसा, लेकिन उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा पैसे वगैरह लगाओ, पैसा नहीं लगाना और नहीं ऐसा कुछ करना, ठीक है। ये मैंने आपको एक नॉलेज के लिए दिया था कि ऐसा हो सकता है, मैं पूरी दुनिया के चावल के दाने कम बच जाएंगे उस बंदे की वो जो 64 है ना उसको डबल करने कर पाएगा। सो ये चीज़ अमीर लोग जानते हैं पैसे से पैसा कमाना, वो एक का दो दो का चार चार गए, और आपने बस आपने करना क्या है अब ये स्टोरी से आपको क्या करना है, आपने कुछ ऐसी चीज़ तलाश कर लेनी अपनी जिंदगी में जो पैसा डबल कर दी, नहीं समझे कुछ भी ऐसा जैसा आपने कोई सामान ले लेना है या इसकी कीमत इतनी है और ये मार्केट में डबल मुनाफा देता है, तो बस वो जो डबल मुनाफा देना उस चीज़ को पकड़ लेना है और उसकी भी लेन देन करती है नहीं। और मैं बोलता हूँ साला आप एक हफ्ते के अंदर आप अमीर बन जाओगे, आपने सिर्फ 30 बार क्या है मतलब दो लो दो लो दो लो दो लो लो बस और क्या। सो अमीर बनना एक हफ्ते के अंदर चैलेंज आपका है, और इस वीडियो का टाइटल भी मैं उस टाइप पर रखूँगा कि हाउ टू रीच रिचेस्ट मैन इन वन वीक, हाउ टू मेक मनी इन वन वीक, इस टाइप का कोई टाइटल होगा इसका, और इसमें मुझको घंटा फर्क नहीं पता एक वीडियो देखें एक बंदा देखे दो बंदा देखे नहीं तो देखेगा ना, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। सो बस पैसा डबल करने का कोई तरीका ढूंढ लो और उसमें लगे हो लगे हो लगे हो, क्या लगना है एक हफ्ते क्यों लगना है, थोड़ा मेहनत लगेगा, अब इसमें ये नहीं बोल रहा कि थोड़ा मेहनत नहीं लगे, हो सकता है ये एक हफ्ते में तुम पैसा तो कमा लोगे लेकिन एक हफ्ते के लिए तुम्हें थोड़ा एक महीना या दो महीना या एक साल तुम्हें इंतज़ार ढूंढना पड़े या वो चीज़ है क्या। अब आप मुझको पूछोगे यार सुफियान भाई अभी बढ़ा तो मेरे पास तो नहीं है भाई, मैं नहीं बढ़ा सकता, आपको खुद ढूंढना है खुद करना है। सो इसी के साथ मुझको इजाज़त दी है, अपना ख्याल रखें दुआओं में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बंदी हो जा नहीं हो रहा।